की हैदराबाद में डॉक्टर की गैंगरेप और हत्या का मामला आज संसद में भी उठेगा। लोकसभा में कांग्रेस इसे उठाएगी और वहीं राज्यसभा में भी जीरो आवर में बीजेपी नेता प्रभात झा ने इस मुद्दे को उठाने की बात कही है, खासतौर पर हैदराबाद में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, क्या आज संसद की कार्यवाही शुरू होती है, संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से ये मुद्दा उठने वाला है? जी बिल्कुल, न केवल कांग्रेस बीजेपी बल्कि अन्य पार्टियां हैं वो भी इस मुद्दे को उठाएंगी संसद में। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में यह मुद्दा उठाया जाएगा और मुद्दा ये रहेगा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं और इस तरीके की घटना हो रही है, आखिरकार उनको रोकने के लिए उचित कानून व्यवस्था की सुनिश्चित की जाए और अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी तक फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में और लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से इस मामले में चर्चा की मांग की गई है। तो कुल मिलाकर आज हैदराबाद की जो जघन्य घटना है इसके बारे में आज संसद में भी यहां पर चर्चा देखने को मिलेगी और सांसद पुख्ता कार्रवाई की मांग करेंगे। अमित, लेकिन क्या कांग्रेस और बीजेपी के अलावा भी कुछ और पार्टियां हैं जो इस पर चर्चा की बात संसद में कह रही हैं? जी, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने न केवल हैदराबाद बल्कि दिल्ली और मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई है पिछले एक हफ्ते के दौरान उसका जिक्र किया है और उसके तहत चर्चा के लिए एक नोटिस दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये देखेंगे यहाँ पर, और अन्य पार्टियां भी इस मुद्दे को लेकर सामने आएंगी संसद में। तो आज संसद में फिर एक बार इस पर चर्चा होगी लगातार।